हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना के एक नई अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप सभी को घर बनवाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इस योजना को लेकर एक नया अपडेट जारी किया गया और वह यह है कि आप सभी का नया लिस्ट जारी कर दिया गया। जिनका भी नाम इस लिस्ट में होगा उन सभी को घर बनवाने के लिए पैसे दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। इस लिस्ट को आप अपने घर पे बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है इसकी पूरी डिटेल जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लाइव यहाँ पे चेक करके दिखाएंगे। आप हमारे द्वारा बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से यहाँ पे अपनी लिस्ट को चेक कर सकते हैं और अपने नाम को देख सकते हैं कि आपका नाम उस लिस्ट में जारी किया गया है या नहीं किया गया। तो अगर आपको भी अपना नाम लिस्ट में चेक करना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के ऑफिशियल साइट पे आ जाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका लिंक हम आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर में बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे आवास सॉफ्ट करके एक ऑप्शन मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने और भी बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें से आपको रिपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है अगर आप अपने आवास योजना के लिस्ट को चेक करना चाहते हैं। तो रिपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करते ही अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पेज लोड ले रहा है, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हो सकता है कि सर्वर पे काफी ज्यादा ट्रैफिक हो जिस वजह से सर्वर आपका स्लो हो गया हो, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इंतजार कर लीजिएगा। देखिए हमारे सामने पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया जा रहा है जिसमें से अगर आपको अपना प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट चेक करना है तो आपको सबसे नीचे में एच सेक्शन में सोशल ऑडिट रिपोर्ट का एक बटन मिलेगा जिसके अंतर्गत आपको एक लिंक दिया गया बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि उन सभी का डिटेल यहाँ पे दिया गया होगा जिनका भी वेरिफिकेशन कराना है आवास योजना के लिए। तो आपको इस लिस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट होगा आप यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना पंचायत सेलेक्ट करना है, जो भी आपका पंचायत होगा उसी हिसाब से अपना पंचायत सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको अपने गांव का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका गांव का नाम होगा उसे सेलेक्ट करिएगा। फिर यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको 22-23 ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 23-24 का भी ऑप्शन दिया गया है लेकिन 23-24 में अभी आपका कोई भी आवेदन नहीं लिया, किसी ने भी अपना आवेदन अभी तक सबमिट नहीं करा तो उनका लिस्ट यहाँ पे शो नहीं करेगा। आपको यहाँ पे 22-23 सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से अब आपको यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे आएंगे और अपना प्रधानमंत्री आवास योजना को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एक क्विज दिया गया, आपको इसे सॉल्व करना है। आपको प्लस माइनस कुछ भी करके एक मैथ का क्वेश्चन दिया जाएगा जिसे आप सॉल्व करके उसका आंसर यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने लिस्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको कुछ पुराने आवेदकों का भी लिस्ट दिखाई देगा जिनका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हाउस स्टेटस में बताया जा रहा है कि इनका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इनको पैसे दिए जा चुके हैं। इनका जितना भी इंस्टॉलमेंट होता है, जो भी आपको पैसे मिलते हैं आपको इंस्टॉलमेंट मिलते हैं आपको ये पता होगा, तो यहाँ पे जितना भी इनका इंस्टॉलमेंट था सारा दिया जा चुका है और इनका जो हाउस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे आइएगा तो जिनका भी हाउस सेक्शन हुआ है यानी कि इनको पैसे दिए जा रहे हैं, एक दो किस्त मिला होगा जिसके बाद से इन्होंने अपना घर बनवाया हो और घर बनवाने के बाद अब इनका वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद से जो भी बाकी का पैसा होगा इन्हें दे दिया जाएगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि हाउस सेक्शन बट नॉट स्टार्टेड, यानी कि इनका जो नाम है इस लिस्ट में जारी किया गया है लेकिन अभी तक इनको एक भी पैसे नहीं दिए गए, तो अब इनको पैसे मिलने वाले हैं उन्हीं के लिए ये लिस्ट जारी किया गया। तो यहाँ पे जिनका भी ऐसा शो कर रहा है इसका मतलब ये है कि आप सभी को अब पैसे दिए जाएंगे। यहाँ पे आपका जो नाम है इस लिस्ट में चयन कर लिया गया है। यहाँ पे हम आप सभी को बता दें यहाँ पे आपका नाम कैसे ऐड किया जाता है या फिर यहाँ पे आपका नाम कैसे जारी किया जाता है इसकी भी जानकारी हम आपको बताएंगे। पहले आप ये समझ लिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जिनका भी हाउस सेक्शन है यानी कि इनका पैसा जारी किया गया है, इनको पैसे मिले हैं, इन्होंने अपना घर बनवाया है और इसके बाद से वेरिफिकेशन किया जाएगा कि इन्होंने अपना घर बनवाया है या नहीं बनवाया, उसके बाद से इनका जो भी बाकी का पैसा होगा वो इन्हें दे दिया जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे जिनका शो कर रहा है कि हाउस सेक्शन बट नॉट स्टार्टेड, इसका मतलब ये है कि इनका नाम लिस्ट में जारी किया गया है लेकिन अभी तक इनको पैसे मिलने स्टार्ट नहीं हुए हैं, इनको एक भी रुपया अभी तक एक भी किस्त नहीं मिला। इसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे फाउंडेशन, इसका मतलब यह है कि इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया। इनका जो नाम है हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट में हो या फिर अभी इनका वेरिफिकेशन चल रहा हो, वेरिफाई होने के बाद इनका भी नाम यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा और इनको भी पैसे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी स्टेटस शो कर हमने आप सभी को समझा दिया कि इसका मतलब क्या होता है। अब हम आप सभी को बता दें कि इस लिस्ट में आपका नाम कैसे जारी किया जाता है या फिर कैसे नाम को एड किया जाता है। तो इसके लिए आपको पता होगा कि इसका ऑफलाइन आवेदन लिया जाता है, आपके गाँव के द्वारा आपके मुखिया इसका आवेदन करते हैं
और उसके बाद से आपका एक वेटिंग लिस्ट तैयार किया जाता है, उसमें जितने भी आवेदन किए हुए आवेदक होते हैं उन सभी का नाम रहता है, और उन्हीं में से जिनका भी आवेदन वेरीफाई किया जाता है उन सभी का वेरीफाई करने के बाद इस लिस्ट में नाम ऐड किया जाता है, और इस लिस्ट में नाम ऐड होने के बाद उन सभी को पैसे दिए जाते हैं। तो जिन्होंने भी अपने गाँव में आवेदन किया होगा मुखिया के माध्यम से, वो सभी उनसे पूछ सकते हैं कि उनका आवेदन वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ। जो भी होगा आपको वहां से पता चल जाएगा। अगर आपका यहाँ पे आवेदन वेरीफाई हुआ होगा तो आपका नाम वेटिंग लिस्ट में जारी किया गया होगा। अगर आप उस लिस्ट को चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पे आवेदन वेरीफाई हुआ है या फिर आपका आवेदन सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो भी आवेदक अपना लिस्ट में नाम चेक करना चाहते हैं कि उनका नाम लिस्ट में जारी हुआ है या नहीं हुआ है, हमने आपको पूरी जानकारी बता दी कि आप कैसे नाम को चेक करेंगे, कैसे आपका लिस्ट जारी किया जाता है, कैसे आवेदन किया जाता है। तो ए टू जेड पूरी कंप्लीट जानकारी हमने आपको इस वीडियो में कवर कर दी है। आशा करता हूं कि पूरी जानकारी आप समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा आपके पास और भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसी नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।